सुने ओ मेरी जान, क्यों हो परेशान। आगे भूल गए यार। नहीं, हंसने वाली क्या बात है यार, आप बता दो, आप सुना दो, आगे आता है तो। मैं तो भूल गया। बात तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, व्हाट्सएप आपको जेल तक पहुंचा सकता है, ये बिल्कुल सच है और आपने बिल्कुल सही सुना है। दोनों ये जो कान है ना, इनको खोल करके आप ध्यान से सुन लेना जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। व्हाट्सएप अगर आप इस पे कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट, फोटो, वीडियो या फिर कोई भी मैसेज भेजते हो, तो इतने दिन तो चल रहा था, आप सोचते थे कैजुअली इसको लेते थे कि यार ये चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है भाई साहब। ये आपको जेल तक पहुंचा के रहेगा अगर अभी भी आपने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी है तो। और विशेषकर वो लोग जो अभी तक ये सोचते हैं कि हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जो हमारा डाटा है वो तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में बिल्कुल सेफ रहता है और हम डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, तो उनके लिए ज़रा 2 मिनट का मौन रखना। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल देना कि हमारा डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में बिल्कुल सेफ रहता है। बिल्कुल नहीं रहता है, सेफ तो रहता है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी अगर व्हाट्सएप के सर्वर पे, मतलब ये डाटा सेव रहता है, तो अगर व्हाट्सएप से ये डाटा मांगती है तो वो उसको पकड़ा देती है। लीजिए भाई साहब, सलटिए। तो विशेष करके ध्यान रखना, कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट आपको ना तो शेयर करना है, सॉरी फॉरवर्ड करना है, और ना ही आपको खुद से सेंड करना है। कोई भी ऐसी फोटो, मैसेज या फिर वीडियो आपको सेंड नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे कंटेंट मतलब आपको व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी फॉरवर्ड भी नहीं करने हैं, सेंड भी नहीं करने हैं। नंबर वन, इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज की फोटो के साथ में अगर कुछ भी कोई छेड़छाड़ होती है, इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज मतलब यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी है या फिर कोई भगवान है, उनकी फोटो के साथ में कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो भाई साहब आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, आपको जेल तक पहुँचना पड़ेगा अगर ऐसी कोई आप मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनलिटीज के फोटोज के साथ में आप छेड़छाड़ करते हो या उसको सेंड करते हो या फॉरवर्ड करते हो, तो ये मतलब गैरकानूनी है, आप इसे शेयर नहीं कर सकते। नंबर टू, आप यहां व्हाट्सएप पे कोई भी इलीगल ऑब्जेक्ट्स, जैसे मान लो कि ड्रग्स है, वैसे तो ऐसे भी आपको नहीं बेचने हैं ड्रग्स वगैरह, क्योंकि 2 नंबर का काम है, इलीगल ये वर्क है, आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना है, लेकिन विशेषकर अगर आप ड्रग्स वगैरह का सौदा करते हो यहां व्हाट्सएप पे, तो आपके लिए ये बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। जी हां दोस्तों, बेचना तो आपको वैसे भी नहीं है, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल ध्यान रखना भैया, नहीं तो जी ये जो व्हाट्सएप के सर्वर पे डाटा सेव रहता है ना, और कोई भी एजेंसी ने अगर ये डाटा व्हाट्सएप से मांग लिया और उन्होंने पकड़ा दिया कि लो भाई सल्टो आप, तो आप यहाँ फंसे जाओगे और जेल आपको बिल्कुल जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, आप किसी भी महिला की वीडियो क्लिप या कोई फोटो, जैसे कोई लेता है ना चुप चुप के ले लेते हैं पीछे से किसी महिला की फोटो है वो, ऐसा कोई भी फोटो या वीडियो आपको ना तो बनाना है कभी, पहली बात तो बनाना ही नहीं है, आप हमारे और आपके ऐसे संस्कार ही नहीं है, मतलब किसी को ऐसा वीडियो और फोटो कभी बनाना ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप कभी बना भी लेते हो तो आपको उसे भूल कर भी शेयर नहीं करना है, सेंड नहीं करना है किसी के पास, और अगर आपके पास आ भी जाता है तो आपको उसे फॉरवर्ड नहीं करना, बल्कि आपके पास जो भी भेजता है उसे 2-4 सुना ही देना, मतलब कोई भी इलीगली शूट की गई फोटो और वीडियो आपको बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करना है और ना ही किसी को सेंड करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, नहीं तो चले जाओगे 4 वो लोहे की बेड़ियों के पीछे। नेक्स्ट, किसी भी महिला या फिर ऐसे मान लो कि जिस्म फरोशी का धंधा है, उसका सौदा आपको बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे नहीं करना है, वैसे आप करते नहीं होंगे, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन आपको मतलब ये अगर आप भूल बस कर भी देते हो तो ये इस प्रकार का आपको जो जिस्म फरोशी वाला सौदा है वो आपको यहाँ व्हाट्सएप पे बिल्कुल नहीं करना है। और विशेषकर किसी लेडी की फोटो को बेचना या फिर वीडियो को बेचना जो अननोन मतलब इलीगली शूट की गई है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल इलीगल है, आप इसे नहीं बेच सकते। अगर आप इसे सेंड या फॉरवर्ड करते हो तो आपको जेल जाना पड़ सकता है भाई साहब। इसके अलावा आप सभी को पता ही है, ऐसी कोई भी कंटेंट, फोटो, वीडियो या फिर कोई मैसेज जो किसी के धर्म को आहत करता हो, किसी देवी देवता की फोटो या फिर किसी देवता के जो अनुयायी है उनकी भावनाओं को आहत करता हो, ऐसा कोई भी कंटेंट आपको ना तो फॉरवर्ड करना है और ना ही किसी को सेंड करना है।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान से सुन तो चुके ही हो, अब इन्हें दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लेना और भूल से भी आप इनमें से कोई भी गलती दोहराने का प्रयास नहीं। इतने दिन तो चलता था, बिल्कुल चल जाता था ये, आप ही कैजुअली भेज देते थे कि चलो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हम हर किसी को सेंड कर देते हैं प्रैंक के लिए, लेकिन अब ध्यान रखना होगा आपको, नहीं तो आप जेल में आपको सड़ना होगा। और विशेषकर जो अपने चौधरी जी जो ग्रुप के एडमिन होते हैं ना, उन जो अपनी चौधराई है वो थोड़ी ढंग से करना भैया, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप मेंबर ऐसा कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट सेंड करता है या फॉरवर्ड करता है तो उसके तो जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन आप पहले फंसोगे भाई साहब। तो थोड़ा ध्यान रखना, वो मतलब वो तो फंसेगा ही फंसेगा लेकिन आपको भी ले डूबेगा। वो बोलते हैं ना कि हम तो डूबे सनम लेकिन आपको भी ले डूबेंगे, तो वो बात है यहाँ पे, वो तो मरेगा ही मरेगा और आपको भी जूते यहाँ पे पिटवाएगा वो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो अपना जो ये मंत्रिमंडल है ना, या जो ये अपनी पंचायत है ना, वो थोड़ी ढंग से बिठाना भैया। ऐसे कम लोग हो वो चलेगा, लेकिन ऐसे कोई भी मतलब अननोन व्यक्ति को या फिर अननोन पर्सन को आप यहाँ पे इस ग्रुप में ऐड करके मत रखना जो आपको कभी पिटवा दे या फिर कहीं जेल की बेड़ियों में आपको डाल डलवा दे। फिर बाद में मत करना भाई साहब, मैं वहाँ आपसे मिलने नहीं आऊँगा, जेल में देख लेना, बिल्कुल नहीं आऊँगा, देख लेना आप। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक तो चलता था, लेकिन अब आगे से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप WhatsApp यूज करते हो, अगर अपने आप पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो WhatsApp को डिलीट कर दो। अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं तो, और आपको शौक है जेल में जाने का, तो करो, मेरा क्या। तो बस आज के वीडियो में ये सब इतना ही था, एक चेतावनी भरा ये वीडियो आपके लिए है। तो आगे से आप कुछ को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता है, तो वीडियो को अपने चाचा, ताऊ, ताई, मौसी, मौसा, फूफा, फूफी, गर्लफ्रेंड, पड़ोसन वगैरह जो भी है, आप उन सबको ये शेयर कर देना, ताकि अगर वो भी ऐसी एक्टिविटी कोई करते हैं तो बच सके, नहीं तो उनको भी हो सकता है जेल में जाना पड़े। अगर मतलब किसी को इनकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है WhatsApp की, इसका पता नहीं हो तो आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल जाए और वो ऐसी गलती कभी ना करे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद तो आ ही गया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ गया ना, तो उस लाइक के काले काले बटन पे थोड़ा जोर से कूद जाओ और उसको नीला कर दो, और दिल की प्यारी प्यारी और जो कुछ कुछ गिली गिली बातें हैं ना, उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे को जरूर बताना। इसके अलावा वीडियो को आप शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई। लेकिन उससे पहले थोड़े दो जोक सुना दो आपको, अगर आप चाहते हो तो छोटे से दो जोक सुना देता हूँ आपको। क्यों भैया, एक लड़का एक लड़की को कार में बिठा के जा रहा था, तो लड़की बोली हम कहाँ जा रहे हैं, लड़के ने कहा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो लड़की बोली वाह आपको हमें पहले बताना चाहिए था ना, हम कुछ और प्लानिंग करते, तो लड़का बोला मेरे को तो खुद अभी पता चला है, तो वो बोली कैसे, तो लड़का बोला यार ब्रेक फेल हो गई है। दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, सॉरी चार हो गए, दो ही लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, वो बोल रही थी यार ये जो आजकल लड़के होते हैं ना वो बिल्कुल गंदी किस्मों के होते हैं, इनके दिमाग में गंदगी के अलावा और कुछ नहीं रहता है। तो वो बोली यार कैसे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कुछ बोल दिया क्या, तो वो बोली अरे तुम उसका तो नाम ही मत लो यार, वो तो है ही कमीना एक नंबर का, लुच्चा है कहीं का वो। तो वो बोली यार किसी और लड़की के साथ में तूने अपने बॉयफ्रेंड को देख लिया क्या, तो वो बोली नहीं यार उसने मेरे को मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ में देख लिया, जबकि कमीने ने कल ही मेरे को बोला था कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, अब बोलो झूठ क्यों बोल रहा था वो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक्निक के साथ में और नए जोक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।